स्वागत है दोस्तों आज के नए वीडियो में। और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन और रात के अभी लगभग 9:40 हो रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है और हम लोग टोटल चार लोग जा रहे हैं, जिसमें रत्नेश भाई भी है और मम्मी जा रही है, पापा भी है अपने साथ, और हमारे फौजी भाई जो कि स्टेशन तक छोड़ने आए हैं, और साथ में हमारी प्रिय भाभी जी भी हैं और सत्यम भाई भी है साथ में। और अभी पहले तो मैं भाई को बधाई देना चाहूँगा, इन्होंने अभी अग्निवीर का मेडिकल क्लियर करके भी स्टेशन पहुँचा, बहुत बहुत बधाई भाई, किशोर भाई नाम इनका। दोस्तों ये हमारा ट्रेन टिकट है, हमने 3 दिन पहले ही स्टेशन से टिकट रिजर्वेशन कराया था। हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं उस ट्रेन का नाम है भगत की कोठी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन की सीट वेटिंग लिस्ट में है 48, 49, 50 और 51। हम लोग का टिकट स्लीपर कोच का था, एक व्यक्ति का टिकट 455 रुपये पड़ा। राजनांदगांव स्टेशन में ट्रेन का टाइमिंग था 9:31 को, लेकिन अभी लेट हो चुकी ट्रेन और इसमें 9:50 दिखा रहा है और 9:50 होने वाला है। ठंड की वजह से सामान कुछ ज़्यादा हो गया अभी। तो दोस्तों बात यह है कि अपना स्लीपर है लेकिन वेटिंग लिस्ट में, तो अपन अभी कोई भी स्लीपर में चढ़ेंगे सीट मिले तो बैठेंगे वरना खड़े रहेंगे। वैसे मिल जाना चाहिए क्योंकि बिलासपुर से निकली है ट्रेन, तो थोड़ा बहुत तो खाली हो गई। दोस्तों मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ और रत्नेश नीचे है, खाली था। हाँ, और मम्मी पापा वहाँ पीछे में हुए, क्योंकि वेटिंग में यही प्रॉब्लम है कि आपको सीट कंफर्म नहीं तो कहीं भी आप खाली भी करें वहाँ सो जाओ। अभी टाइम हो रहा है 12:23 और अभी गोंदिया में रुकी हुई है ट्रेन। हुआ है क्या कि एक लड़का खिड़की के पास बैठा था और किसी ने पत्थर फेंक के मारा तो उसका सर शायद फूट गया है, तो खून बह रहा था, तो यहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। थोड़ा से ट्रेन को इसलिए रोका गया है और फिर थोड़ा देर बाद हम लोग निकलेंगे। फिर अगर ट्रेन में बैठे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक बैठे। क्या नाम है आपका? त्रिशा। 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 और आपका क्या नाम है? मिकी। इधर देख, यूट्यूब नहीं था। क्या नाम है? वो नहीं बता। कहाँ से हो आप लोग? राजस्थान। राजस्थान से। तो हम लगभग 15 घंटा सफ़र करने के बाद उज्जैन पहुंचे हम लोग अभी। तो दोस्तों हम लोग स्टेशन से उतर के यही रास्ते से यहां पास आए हैं, और अगर आपको उज्जैन मंदिर जाना है तो यहां से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा आपको। यहां से ऑटो वगैरह यहां से मिल जाएगा आपको। बस दोस्तों हम लोग जा रहे हैं यादव धर्मशाला, जो कि मंदिर के एकदम नज़दीक है, और हम लोग यहाँ एक पर्सन के लिए 15 रुपये दे रहे हैं, तो 4 लोग होते 60 रुपये देंगे अभी। और कुछ
चार बना